कई हफ्तों की सियासी उथल पुथल के बाद आज जम्मू कश्मीर में पहली बार पीडीपी बीजेपी की साझा सरकार सत्ता संभालेगी। दिन में 11 बजे जम्मू में पीडीपी के संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुफ्ती मोहम्मद के अलावा 24 दूसरे विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास मेहमान होंगे। सत्ताईस फरवरी को दिल्ली से एक बड़ी ही नायाब तस्वीर सामने आई, जिसने देश में सियासत की परिभाषा को एक बिल्कुल नए कलेवर, नए अंदाज में पेश किया। जम्मू कश्मीर के होने वाले मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में एक नई शुरुआत पर आखिर मुहर लगा दिया और आज उसका आधिकारिक आगाज है। जम्मू कश्मीर में पहली बार पीडीपी बीजेपी की साझा सरकार बन रही है और दिन में 11 बजे पीडीपी के संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह जम्मू के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में होगा, जिसके साथ ही राज्य में करीब 50 दिन से चला रहा राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाएगा। मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ साथ पीडीपी के 12 और बीजेपी के 11 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। साझा सरकार में शामिल पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन को भी मंत्री बनाया जा सकता है। पीडीपी के जिन विधायकों को मंत्री बनाने की खबर है, उनमें से नईम अख्तर, इमरान अंसारी, अब्दुल रहमान भट्ट, हसीब द्राबू और अल्ताफ बुखारी के चेहरे अहम हैं। वहीं बीजेपी के जिन 11 एमएलए को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, उनमें से निर्मल सिंह का नाम अहम है, जिन्हें उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना है। इनके अलावा कविंदर गुप्ता, बाली भगत, अब्दुल गनी कोहली और प्रिया सेठी भी आज शपथ ले सकते हैं। इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट भी हाई प्रोफाइल है। खुद पीएम मोदी समारोह में शिरकत करने के लिए जम्मू पहुंचेंगे। इनके साथ साथ एलके आडवाणी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और जितेंद्र सिंह भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शपथ के गवाह बनेंगे। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी पहुंचने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पहली बार सत्ता का सुख भोगने वाली है, वो भी उस पार्टी के साथ जिससे हमेशा से सियासी बैर रहा है। हालांकि इस बार परिस्थितियां पीडीपी और बीजेपी को साथ ले आई हैं और जनता का जनादेश भी यही उम्मीद कर रहा है कि गठबंधन वाली सरकार से राज्य का मंगल ही होगा। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।